हेलो दोस्तों, तो मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ कि वो आर्ट ऑफ वॉर वाली UMP सबसे बेस्ट है और वो ज़ेब्रा स्किन वाली जो इनक्यूबेटर में आई थी। तो आप लोग आगे देख ही सकते हो कि वो आर्ट ऑफ वॉर वाली UMP से बहुत अच्छे हेड लग रहे हैं। मैं आपको ट्रेनिंग ग्राउंड में भी जाकर दिखाता हूँ। मैंने ये नोटिस किया कि ये बहुत अच्छी स्किन है आर्ट ऑफ स्किन, मतलब बहुत अच्छे हेड लगते हैं इससे और मतलब रिकॉइल भी ज़्यादा नहीं होता। तो आप भी एक बार देख लो और आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को भी लाइक कर दो। अगर मैं आपको बहुत ऐसे और वीडियोस डालने वाला हूँ, जैसे कि ये बेस्ट गन्स, बेस्ट स्किन्स आपके लिए, कौन सी अच्छी स्किन है, कौन से अच्छे गन्स है, ऐसे बहुत सारी वीडियोस डालूँगा आपके लिए। टिप्स एंड ट्रिक्स के भी वीडियो डालूँगा वन टैप्स के। तो आपने आप सामने देख लिया होगा कि UMP ये आर्ट ऑफ वॉर वाली बहुत अच्छी स्किन है। अब मैं आपको ये दिखा दो ज़ेब्रा स्किन वाली कैसी है। तो देखो, इससे ज़्यादा हेड ही नहीं लग रहे थे, मैंने नोटिस किया। मैं बहुत बार मरा हूँ, आप ही देखो सामने कितने बार मरता हूँ मैं। अभी मैं आपको उसके अंदर जाकर दिखाता हूँ थोड़ी देर। इससे हेड ही ज़्यादा नहीं लगे, मतलब ऐसे नहीं कि नहीं लगते थे, एक दो लगे पर ज़्यादा नहीं लगे। चलो अब हम ट्रेनिंग ग्राउंड में आ चुके। तो अभी ये देखो, यहाँ पर हेड भी नहीं लगाई ज़्यादा। तो मैं जब ऊपर से वैसे नीचे बंदे गिरते तो बहुत हेड लगते, लेकिन इस पर हेड ही नहीं लगे मेरे हिसाब से। ये देखो, मेरे हिसाब से आपके लिए सबसे बेस्ट गन स्किन, मेरे हिसाब से, आपको जो पसंद है वो पता नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से आपके लिए सबसे अच्छी वो ये है आर्ट ऑफ वॉर वाली, जो हमको दिवाली वाले इवेंट में मिला था जिसमें मैजिक क्यूब भी था। वो आपके लिए सबसे बेस्ट वही स्किन है। चलो गाइस, मिलता हूँ आपको और एक अगली वीडियो में। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और मेरे वीडियो को भी लाइक कर दो और शेयर भी करो अपने सारे दोस्तों को। मेरे वीडियो शेयर कर दो।